बार्गेनिंग करके टमाटर के भाव में 600 पे फिक्स किए, लेकिन मानेगा नहीं 600 850 फाइनल साले से पूछ तो लो, एक का 600 ले रहा, तीनों 600 ले रहा है, एक का 600। हाँ तो ऐसा हिंदी में बोलने का। कैसे हम तीन दोस्तों का ये अचानक वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाता है रात की 2 बजे मजाक मजाक में, और फिर हम निकल पड़ते हैं मनाली के लिए उसी रात 3 बजे। एंड तक देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हेलो, मेरा नाम है प्रियेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवर मोर विद प्रियेश। हम तीन दोस्त, तीनों अलग अलग स्टेट से, ये है बिहार से, ये है राजस्थान से और मैं हूँ यूपी से। हम तीनों मिले थे पंजाब के एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी में काम करने के दौरान, जहाँ हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और हम जा रहे हैं हिमाचल क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ओवर और हमें चाहिए था एक ब्रेक, क्योंकि नेताओं की शक्ल देख देख के पक चुके थे और हमें कुछ और देखना था, मतलब पहाड़। मुझे कैप्चर करने थे ढेर सारी तस्वीरें, स्टोरीज अपने कैमरे के जरिए। हम उसी रात 3 बजे निकल जाते हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड। फिर हमने कुछ बसें पता की और एक एजेंट के जरिए हमें एक वॉल्वो मिल जाती है और हम बैठ जाते हैं। दिन भर थके होने के कारण मेरी आँख लग जाती है और 2 घंटे बाद आँख खुलती है। मैं देख के हैरान और खुशी से शांत हो जाता हूँ। मैं बस में विंडो सीट पे बैठा देख रहा था पहली बार अपने ज़िंदगी में बड़े बड़े पहाड़ों से सूरज को निकलता हुआ। वो एक्सपीरियंस मेरे जीवन का बेहद खूबसूरत नज़ारा था। हमने बस में ही आगे की प्लानिंग की, कितने दिन रुकना है, होटल्स चेक किया, टोटल बजट बनाया, किस एरिया में रुकना है और सबसे ज़रूरी काम, हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं इन 7 दिनों में। ये सारी प्लानिंग करते करते हमारी फिर आँख लग जाती है और हम सीधा जाते हैं मनाली में। लगभग 11:30-12 बजे होंगे। वो खूबसूरत नज़ारे देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो हम उतर चुके हैं, हमें बहुत जूतियाँ बनाया गया बट हम नहीं बने। जा रहे हैं दूसरा होटल खोजने के लिए, मिल जाएगा तो बताएंगे आप। फिर हम जाते हैं होटल्स की दुनिया में। हमने काफ़ी होटल्स देखे पर कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि हमें चाहिए था नज़ारा होटल्स के रूम से। फिर हमने सोचा पहाड़ के टॉप पे चलते हैं, वहीं पे रूम ले लेंगे। फाइनली हमने रूम ले लिया। हमने एक रूम लिया था जिसका रेट था 2100 रुपये पर डे, जो हमने अपने बार्गेनिंग स्किल के जरिए उसे कम करा के 1700 कर लिया था और हमारी डील डन हो गई थी। और फिर हम अपना सामान रख फ्रेश होकर निकल पड़ते हैं आसपास एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ खाने के लिए। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद हम अपने होटल आ गए आराम करने, और होटल के बालकनी से नज़ारा कुछ और था। फिर मैंने टाइम लैप शूट किया। जो कि उसे देखकर सारी थकान उतर गई।